जनपद संभल के चंदौसी में चल रहे भाजपा के मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का समापन हुआ। जनपद संभल के चंदौसी में केथल रोड पर रामबाग में चल रहे भाजपा के कार्यकर्ताओं के दो दिवसीय मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया, जिसमें भाजपा के जिलाध्यक्ष ओमवीर सिंह खडाक वंशी सहित काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। आज पूरे देश में केंद्रीय प्रशिक्षण वर्ग हमारी भारतीय जनता पार्टी के चल रहे हैं और मंडल स्तर पर जो हम मंडल कहते हैं हमारी, जैसे हमारे संभल जिले में 20 मंडल हैं जिसके तहत आज ये 18 मंडल हमारे पूर्ण हो जाएंगे। दो मंडल अभी हाथनगर संभल इनका कल और परसों है। दो दिवसीय प्रशिक्षण थे जिसमें हमारी पार्टी द्वारा जो पार्टी का हमारी का इतिहास है, पार्टी की विचारधारा है, हमारे पिछले 6 सालों में अंत्योदय के लिए जो काम हुए हैं वो, हमारी विचारधारा, हमारी संस्कृति, ऐसे हमारे 10 वक्ताओं के द्वारा अलग अलग सत्रों में 10 सत्र हैं उसके निमित्त ये मंडल पर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग हुआ है। उसी के निमित्त आज ये आठवां सत्र है, आठवां, अभी शाम को 5 बजे समापन होगा। तो आज इसमें हमारी चंदौसी विधानसभा में छावड़ा, बनियाठेर और चंदौसी नगर में प्रशिक्षण चल रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारी पार्टी की विचारधारा क्या है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, उनका अनुशासन कैसा होना चाहिए और हमारी पार्टी की रीति नीति क्या है। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती है, सेवा ही संगठन, सेवा परमो धर्म, यानी समाज की सेवा के लिए राजनीति करती है, भारत माता की जय के लिए कार्य करती है, राष्ट्र देवभव, राष्ट्र हमारा देवता है, इसके लिए राजनीति करती है। ऐसे संस्कार, शिक्षा, ऐसा व्यक्तित्व हमारे कार्यकर्ताओं का हो, इसी के लिए प्रशिक्षण दो दिवसीय हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर जिले के लिए प्रशिक्षण शिविर के लिए आया है, ऊपर से हर मंडल के अंदर 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है पार्टी के द्वारा, जिसमें प्रशिक्षण में कुछ लोग, चुनहित लोग ही इसमें रहते हैं, जो कि मंडल के अध्यक्ष हो गए, मंडल की टीम हो गई, जिले के रहने वाले लोग हो गए इसमें, जो पदाधिकारी हैं और भी कई इसमें कैटेगरी बना रखी है पार्टी ने, उन्हीं लोगों को एक प्रशिक्षित दिया जाता है। और प्रशिक्षित करने के लिए पार्टी द्वारा हर उसमें 4 वर्गों में बांटा हुआ है, सुबह 2 शिफ्टों में, उसके बाद दोपहर को लंच, उसके बाद फिर 2 शिफ्टों में। उसमें पार्टी की रीति नीति, आगे की रूपरेखा, कार्यशैला, पार्टी की किस प्रकार स्थापित हुई, किस प्रकार पार्टी ने कार्य किया, जनसंघ से जब 2 सीटें थी पार्टी की कश्मीर में, एक निशान के कार्यक्रम हेतु आगे बढ़ते, सब चीज़ पार्टी की समझाई जाती है, जिससे लोगों को, पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को पार्टी की रीति नीति के बारे में सब जानकारी मिले। नहीं, कार्यकर्ताओं को निर्देश ये दिए जा रहे हैं कि पार्टी के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, कार्य करें, पार्टी की जो जिस प्रकार माननीय मोदी जी पार्टी को आगे सींच के लेके आए हैं, उसी प्रकार हम सब लोगों का एक फर्ज बनता है कि पार्टी के निचले स्तर तक इतना मजबूत करें कि आने वाले भविष्य के 10 साल कम से कम हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बना सकें।